हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कोटा स्मार्ट सिटीजन के यूट्यूब चैनल पर। आज हम आज से एक नई सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसके अंदर हम ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट और पुलिस इनके क्वेश्चन स्पेशलिटी लेंगे कि इनके पेपर में कैसे क्वेश्चन मैथ के आ सकते हैं, उनको सोल्व करने का कैसे जल्दी से जल्दी मेथड है उनको हम आपको बताएंगे। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पेपर में आएंगे, हो सकता है हम 20 बताएं, 21 आ जाए या 19 आ जाए, बिल्कुल ये आने की संभावना कम है, लेकिन क्वेश्चन इसी टाइप से आएंगे ये हमारा विश्वास है पूरा का पूरा। उनको हम कैसे जल्दी से जल्दी सोल्व कर सकते हैं ये हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। ये सीरीज आगे भी चलती रहेगी, तो इसके लिए हमारे चैनल को अभी से आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप आगे कोई भी वीडियो मिस ना कर सके, और बेल आइकन को भी जरूर दबा दीजिए ताकि लेटेस्ट अपडेट्स आपको मिलती रहे। तो शुरू करते हैं हमारा वीडियो। क्वेश्चन हमें दिया गया है पहला व्यंजक, एक हमें व्यंजक दिया गया है 23.99 इंटू 3.99 माइनस 15.99 2.99 अपॉन 8 इंटू 9.99। ऐसे क्वेश्चन को देखते हैं, इनको मन करता है कि छोड़ दें, ये क्वेश्चन सोल्व कैसे होगा, इतना लंबा गुणा, पेपर हमारे पास सिर्फ 1 घंटे का आएगा, 60 मिनट में अंदर ऐसा क्वेश्चन करने लगे तो हम 5 मिनट तो वैसे ही वेस्ट हो जाएंगे, चाहे आपके गुणा भाग कितने भी तेज हो। इसके सोल्व करने के लिए क्या तरीका यूज करेंगे, सबसे अच्छा तरीका है हमारे पास, यहाँ पर लिखा गया है, यहाँ पर हम एक बार क्वेश्चन लिख देते हैं 23.99 इंटू 3.99 15.99 इंटू 2.99 अपॉन 8 इंटू 9.99। ठीक है, अभी से सोल्व करने का क्या तरीका, 99 कम कितना पड़ रहा है 0.01, यानी नेगलेक्ट वैल्यू के बराबर, थोड़ा सा आंसर में वेरिएशन आएगा, वरना इसको इसे चेंज कर लेते हैं, यदि इसके अंदर सब में ऐड कर देते हैं ये सोचे तो पूरे नंबर बन जाते हैं, तो 23 कितना हो जाएगा 24 इंटू 3 कितना हो जाएगा 4 माइनस 15 हो जाएगा 16 इंटू 2 हो जाएगा 3 8 इंटू 10। आगे सोल्व कर लेते हैं या आप फटाफट सोल्व कर सकते हैं, 96 माइनस 16 48 अपॉन 8 इंटू 10 बराबर 96 में 48 गए तो 48 अपॉन 8 इंटू 10 8 48 भाग देते हैं तो 0.6, यानी इसका आंसर 0.6 ही होगा, क्योंकि नेगलेक्ट वैल्यू उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी वहाँ पर, बिल्कुल ना के बराबर, यदि यहाँ पर 1, 2, 3 ये चौथी संख्या होगी वहाँ जाके बदलेगा, क्योंकि यहाँ पर 1, 2 यानी 2 के 4 हो जाएंगे, इसलिए यहाँ पर इसकी वैल्यू 0.6 ही होगी जैसा कि हमने लिखा है, तो आंसर हमारा होगा बी 0.6 वाला। इसे हम करने में मुश्किल से हमें 30 सेकेंड का समय लगा होगा, इससे हम पेपर में जल्दी से जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम, अगला क्वेश्चन है साइन 3/5 हो तो sec a का मान क्या होगा, तो इसके लिए हम लाल बटा कक्का का यूज लेंगे। ये चीजें आप पेपर में जाते ही पहले रफ पेज जो हमें मिलता है उसको आप लिख सकते हैं, इसके अंदर आपको याद होने की वजह जाता है, यहाँ पर होता है साइन, ये cos, ये tan, ये cot, ये sec, ये cosec, तो हमें दिया गया है क्या दिया गया है, साइन दिया गया है, साइन a बराबर 3/5 यानी लंब बटे कर्ण दिया गया है, यानी कोई त्रिभुज है तो इसके सामने की भुजा, कोई समकोण त्रिभुज है तो इसके अंदर हमें कर्ण की वैल्यू दे गई है 5 और लंब की वैल्यू गई है, तो हमें अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर सेक, और सेक कौन सा होगा कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार के लिए हमें आधार की जरूरत होगी, तो आधार हम निकाल लेते हैं अंडर रूट ऑफ 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर, ये आपको बता देते हैं इसको एक बार इधर पूरा, आप पहली बार कर रहे हैं इसलिए, तो कर्ण माइनस लंब का स्क्वायर, ठीक है, तो इसे कर लेते हैं अंडर रूट ऑफ 25 माइनस 9 तो हमारे पास आ गया अंडर रूट में 16 कितना आ गया 4, ठीक है, तो हमारे पास इसकी वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो ये हो गया हमारा आधार, और सेक बराबर क्या होता है, सेक ए बराबर कर्ण बटे आधार, कर्ण हमारे पास है 5 और आधार आ गया 4, तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही होगा 5/4 यानी बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। जब आपकी स्पीड तेज हो जाएगी तो आप इन क्वेश्चन को
मुंह जवानी आराम से बिना पेन कॉपी के भी सरलता से कर सकते हैं। ये आपको करने के लिए हम पूरा बता रहे हैं, वरना इसे हम ऑप्शन से भी सीधा कर रहे हैं, ठीक है। एक वर्गाकार, अभी अगला क्वेश्चन है, एक वर्गाकार मैदान का परिमाप 600 मीटर है, यानी कोई वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान यानी प्रत्येक कोण 90 डिग्री का, ठीक है, और वर्गाकार है इसका पूरा 600 मीटर है, ठीक है, परिमाप। उस मैदान के एक छोर से दूसरे छोर के विपरीत जाने में कितनी दूरी तय करनी होगी, तो छोर की विपरीत दूरी कौन सी होगी, एक छोर से बीच में से गुजर रहा है, जबकि हो रहा है जब व्यक्ति मैदान के बीच में से सीधा गुजर रहा है, तो इसे करने के लिए क्या करेंगे, इसका परिमाप निकाल लेते हैं। परिमाप होगा, परिमाप इज इक्वल टू होता है 4 × भुजा। परिमाप हमें दे रखा है 4 की वैल्यू 4, भुजा अपन को पता नहीं है, तो भुजा बराबर क्या होगा, तो भुजा निकाल लेते हैं, चार एकम चार, 4×5 20, यानी 150 मीटर भुजा ही, यानी ये सब कितने के होंगे, 150 150 के, और ये समकोण त्रिभुज था तो इसके सामने का कर्ण होगा, तो इसका कितना होगा, डायरेक्ट कर सकते हैं हम 150/√2। इसे आप चाहे तो सोल्व भी कर सकते हैं, तो इसका आएगा कितना आंसर आएगा, 150/√2, जो हमारा ऑप्शन होगा सी, ठीक है। इसे हम आपको बता देते हैं कि 150/√2 कैसे आया, ये भी आपको बता देते हैं एक बार सोल्व करके, √150 2 + 25 2 + 2 5 00, आप स्क्वायर कर लीजिएगा, दोनों को जोड़ते हैं तो 2 × 1 = 4 × 5 2 = 4, एक चीज की मिसिंग हो चुकी है, ठीक है, 2 × 4 = 50, ठीक है। इसका अंडर रूट लेते हैं तो अंडर रूट जाएगा नहीं इसका, इसे हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, तो हम दो भागों में विभक्त कर लेते हैं, दो का इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम दो, तो इसका अंडर रूट क्या होगा, 150, और अंडर रूट दो का ऐसा का ऐसा, इसलिए ये आंसर वैल्यू आई है, ठीक है। बढ़ते हमारे अगले क्वेश्चन की ओर, अगला क्वेश्चन दिया गया है, 100 मीटर एक लंबी रेलगाड़ी है, उसे 200 मीटर लंबी नदी के पुल को पार करने में कुल कितना समय लगेगा, यदि रेलगाड़ी की चाल 144 किलोमीटर प्रति हावर है, तो उसमें आंसर सेकंड में दिया गया है, तो हम पहले, सबसे पहले जब भी हमें आंसर सेकंड में दिया गया है और 4 किलोमीटर प्रति घंटे में दी गई है, तो उसे हम चेंज कर लेते हैं। इसे चेंज करने का मेथड होता है, जो आप हमारे पहले के प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं, 144 × 5/18 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो कर लेते हैं 18 8 तो 8×40 मीटर प्रति सेकंड आ गया, क्योंकि हमारे पास बाकी चीज़ें मीटर में थी, इसलिए हमने इसको भी मीटर में चेंज कर लिया है। ये तो हमारे आगे इसकी चाल, यहाँ पर लिख देता हूँ चार, ठीक है। अब ये पूछा है, अब इसके बीच में हमें क्या ज्ञात करना है, समय, समय बराबर होता है दूरी बटे चाल। अब वो पार किस किस को कर रहा है, टोटल दूरी हो जाएगी 100 + 220/40, तो दोनों को ऊपर जोड़ लेते हैं, 2 2 3 4 8 4 8 32, यानी वो 8 सेकेंड में उस पुल को पार कर लेगा, जो कि ऑप्शन डी होगा। फ्रेंड्स, ये प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन है, जो रेलवे असिस्टेंट लोको पायलट और इनके अलावा पुलिस कांस्टेबल में पूछे गए हैं। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन सिर्फ इनमें पूछे जाते हैं, ये बैंक, SSC, IBPS, क्लर्क, इन सब में पूछे जाते हैं, लेकिन आपको रेलवे ग्रुप डी वगैरह की तैयारी करनी है तो इस वीडियो को जरूर देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और लाइक का जरूर बटन दबाएं।